सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ाने पर गौर। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान। बच्चों के वालदैन का भी एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा, छुट्टियां बढ़ाने का फिर से आगाज किया गया है? आज बिल्कुल, जैसे कि मौसम में शिद्दत आई है तो इसको देखते हुए अब जो स्कूलों की इंतजामिया और जो बच्चों वालदैन की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि छुट्टियों में इजाफा किया जाए, तो महकमा स्कूल एजुकेशन में भी इस मामले पर अब जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है। ताहम इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। जो पुराने हदायात थी उसके मुताबिक जो स्कूल हैं दोबारा पीर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो महकमा स्कूल एजुकेशन में ये तजवीज़ चल रही है कि एक हफ्ते तक जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाए। ताहम इस पर हतमी फैसला जो है वो एक दो दिन में मुतवक्को है कि आया छुट्टियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा। और अब स्कूलों की इंतजामिया को भी इस हवाले से इंतजार है कि ये छुट्टियों में इजाफा होता है कि नहीं होता। ताहम ये तजवीज़ जो है इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन में मौजूद है। जब पिछली दफ़ा छुट्टियों में इजाफा किया गया था तो वाटर जुडिशल कमीशन की जानब से अदालत और महकमा स्कूल एजुकेशन को तजवीज़ दी गई थी और फिर अदालत ने महकमा स्कूल एजुकेशन को हदायत की थी कि एक हफ्ता जो है वो छुट्टियों में इजाफा किया जाए, जिसके जिन हदायत की रोशनी में महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अच्छा आतिफ, तो क्या इस पर वजीर तालीम की जानब से भी कोई रद्द अमल सामने आया है? जो है महकमा स्कूल एजुकेशन में ये तजवीज़ रिगोर है और हतमी फैसला नहीं हुआ, और ना ही महकमा स्कूल एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुराद रास, उन्होंने इस हवाले से कोई हतमी बयान दिया है। जी ठीक है आतिफ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।